नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे लाल बटन देख रहे होंगे वीडियो के नीचे, यहाँ पे जाके क्लिक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है DS टॉक्स। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे A9 प्लस और A16 के बीच में डिफरेंस क्या है। आइए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये A9 और A16, जैसा कि आप वीडियो पे देख सकते हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है। ये एनिका A9 वाला साइड है और ये एनिका A16 की साइड है। आज हम आपके इसके बीच के डिफरेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे एक कमेंट करा था एक जने ने, जो कि पूछ रहा था A9 प्लस और A16 के बीच में डिफरेंस। आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप मॉडल देख सकते हैं, A9 प्लस A16 बैंड 2G नेटवर्क, 2G नेटवर्क सेम सिम कार्ड दोनों डल सकते हैं, दोनों में ड्यूल सिम है, दोनों में सेम है। स्टाइल बार दोनों में सेम है। कलर डिफरेंस है, A9 प्लस में आपको कलर मिलेंगे ब्लैक, ब्लू, गोल्ड, पर्पल, और A16 में आपको मिलेंगे ब्लैक, गोल्ड, रोज़ गोल्ड, ब्लू, ग्रीन, जो कि अच्छे हैं कलर बहुत ही A16 के। और मटेरियल प्लास्टिक और मेटल दोनों में सेम है। सर्विस प्रोवाइड अनलॉक्ड दोनों में, एंटीना इनसाइड है दोनों के। अब इनकी बात करते हैं सिस्टम की। इसमें आपको CPU मिलता है MTK6261M और इसमें 104 MHz और दूसरे में भी सेम है। मेमोरी 16 MB कार्ड की आप इंटरनल स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब XT कार्ड से डाल के स्टोरेज कर सकते हैं। 8GB दोनों में सेम है। स्क्रीन डिस्प्ले साइज 1.63 दोनों में सेम है। टाइप OLED और इसमें मल्टी कलर आपको मिल सकता है A16 में। एक जो इसकी एडवांटेज है बहुत अच्छी, रेवोल्यूशन 240x320 पिक्सल्स, इसमें 240x320 पिक्सल जो कि सेम है। अब इनके कीपैड के बारे में बात कर लेते हैं। कीपैड टच सेंसिटिव बटन 21 कीपैड्स हैं, 21 कीपैड्स। कीपैड लाइट वाइट दोनों में वाइट है, A9 प्लस में भी वाइट है और A16 में वाइट है। स्पॉट फॉर्मेट देख लेते हैं अब। वीडियो फाइल फॉर्मेट 3GP MPEG-4 दोनों में सेम है। ऑडियो का फॉर्मेट MP3 WAV AMR 8WB जो कि दोनों में सेम है। FM रेडियो दोनों में है। एयरफोन पोर्ट 5 पिन, डाटा ट्रांसफ़र पोर्ट माइक्रो USB दोनों में सेम है। केबल पोर्ट यूनिवर्सल माइक्रो 5 पिन USB दोनों में जो कि सेम है। स्पॉट फॉर्मेट दोनों में बल्कि सेम ही है। अब इनकी डाटा ट्रांसफ़र और कनेक्टिविटी देख लेते हैं। USB और ब्लूटूथ, इसमें भी USB और ब्लूटूथ। मोबाइल इंटरनेट WAP GPRS VAP GRPS क्योंकि दोनों 2G मॉडल हैं। अब जर्नल बात कर लेते हैं। इसमें कैमरा है, दोनों में कैमरा नहीं है। लैंग्वेज आप इसमें इंग्लिश, रशियन, अरबिक देख सकते हैं। A9 प्लस में और A16 में आपको मिलती है इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, अरबिक जैसी लैंग्वेज है। और जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश। मैसेज आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। MMS दोनों में सेम है। इनपुट कीपैड सेम। GPRS क्लास 12 दोनों में। रिमोट कंट्रोल यस, पेडोमीटर है उसमें भी, पेडोमीटर है। ब्लूटूथ इसमें भी है उसमें भी है। स्पीकर दोनों में है। रिसीवर दोनों में है। माइक 4 सोल्डर्ड दोनों में है। वाइब्रेशन यस। WAP MMS SMS MP3 दोनों में है। एनेबल TV नहीं है दोनों में। फ़ोन बुक है दोनों में, आप 300+ MS कार्ड स्टोरेज कर सकते हैं इसमें। कॉन्टैक्ट वगैरह डिमेंशंस 113.5x48.4x4.5 mm डिमेंशंस दोनों के अलग अलग हैं। A9 कैसा क्या मैंने आपको बताया अभी, 113.5x48x4.5 mm और दूसरे के हैं डिमेंशंस 112x49x3.2 mm और इसका वेट है A9 प्लस का 68 kg और A16 का 47.5 kg जो कि बहुत ही हल्का फ़ोन है A9।
अब इसमें बैटरी देख लेते हैं। इसमें आपको बैटरी मिलती है 680 mAh बैटरी, और A16 में आपको 480 mAh की मिलती है। स्टैंड बाय टाइम अबाउट 2 to 3 days, आप बात इसमें कर सकते हैं, कलर टाइम दे रखा है जो इसमें भी 2 to 3 days। और अदर फीचर्स ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, कैलेंडर, रिकॉर्डर, अलार्म एक्सेट्रा A9+ में है, इसमें भी सेम ही है वो। आप A16 में टॉक टाइम 3 hours कर सकते हैं। और पैकेज जो आपको बॉक्स मिलेगा इसके अंदर वो क्या क्या मिलेगा, कार्ड, फ़ोन होगी, USB केबल, सिम, इजैक्ट टूल होगा, स्क्रीन प्रोटेक्टर, यूज़ मैनुअल और एयरफोन भी लेंगे जो कि दोनों में सेम है। इन दोनों में डिफरेंस था आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया। जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको A16 फ़ोन लेना चाहिए जो कि A9+ से ठीक है पर थोड़ा महंगा है, पर उसकी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। धन्यवाद।